वक्त हो गया इस वक्त आपको तेज खबरें बताने का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मामूली राहत मिली है। दोषियों की सजा 5 साल कम हो गई है। मुख्य दोषी विकास यादव की सजा 30 साल की जगह 25 साल की गई है, जबकि सुखदेव पहलवान को 25 की जगह 20 साल जेल में काटने होंगे। यानी 5 साल सजा दोनों की कम कर दी गई है। नीतीश कटारा की हत्या 2002 में हुई थी। विकास यादव बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा है। विकास की बहन भारती यादव से नीतीश कटारा को प्यार था, जबकि यादव परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। मामले में विकास का चचेरा भाई विशाल यादव भी दोषी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जितना मुझे सुनाई दिया पीछे, वो ये है कि इनकी सजा जो दी गई थी के लिए हाईकोर्ट ने जो दी थी लाइफ फॉर 25 इयर्स विदाउट रेमिशन विकास के लिए और 20 साल पहलवान के लिए, वो मेंटेन रहेगी। तो सजा जो है वो 25 साल तक और 20 साल तक इनको रेमिशन नहीं मिलेगा। जो हाईकोर्ट ने कम किया है या एक तरह से कम नहीं किया है, सजा 5 साल की रखी है साक्ष्य डिस्ट्रॉय करने के लिए, मगर वो कंकरेंटली चलेगी। तो टोटल अवधि 5 साल से उन्होंने कम कर दी है रेमिशन।